हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा पोर्टफोलियो। जैसे कि मैंने बताया, हर दिन मैं आपके साथ पोर्टफोलियो शेयर करता हूं। कल के वीडियो में आपने देखा बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई, ना काफ़ी ज़्यादा मतलब मार्केट नीचे चला गया अचानक से, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ गई। करेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, हर दिन आपने देखा होगा प्रॉफिट में था, कल मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी नीचे आ गया। यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले देखिए पोर्टफोलियो का अभी करंट जो मेरा रिटर्न बन रहा है, टोटल रिटर्न की बात करते हैं तो 11,102.61 का परसेंट का रिटर्न बन रहा है। मैंने आपको पहले भी दिखाया 31% तक का मैंने रिटर्न अचीव कर लिया था। मतलब हमारे पोर्टफोलियो में जो है, हमने जो टारगेट किया था 21% का पोर्टफोलियो रिटर्न था, लेकिन वहां से सीधा सीधा 1% से भी ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। एक दिन की रिटर्न की बात करते हैं, माइनस में है, -692.70, यानी एक ही दिन में लगभग 700 रुपया गायब हो गया। मतलब बहुत बड़ी गिरावट है, बहुत बड़ा करेक्शन है। हालांकि मुझसे भी कई ज्यादा लोगों के तो ऐसे हैं 2,000-3,000 रुपए एक ही दिन में साफ हुए, मेरा तो लगभग 700 रुपए नीचे चला गया। बात करते हैं और एक चीज की, इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा, टाटा स्टील में ई वोटिंग शुरू हो चुका है। जहाँ अगर आपके पास टाटा स्टील के शेयर है तो आपको ईमेल आ चुका होगा, स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे टाटा स्टील के ई वोटिंग के टाइम की बात करें तो 14/9/2023 से सुबह 9 बजे से ई वोटिंग खुल जाएगा, आप वोटिंग कर सकते हो ऑनलाइन में जाकर। कैसे करना है नहीं पता है तो कमेंट करना, यहाँ पे बता दूंगा। CDSL में जाकर आपको लॉग इन करना है, वहाँ पे आपको बनाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो क्लोजिंग डेट है वो है 17/9/2023। यहाँ पे 17/9/2023 शाम 5 बजे तक आप ई वोटिंग कर सकते हो टाटा स्टील में, ठीक है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट अपडेट। अब बात करते हैं करंट वैल्यू की। आप देख सकते हो करंट वैल्यू जो मैंने अभी करंट वैल्यू चल रहा है वो है 67,118 रुपीज, यानी कि लगभग मान चलते हैं यहाँ पे 68,000 के आसपास चल रहा है। अभी इन्वेस्टेड वैल्यू जो है मेरी अभी 56,115 रुपीज़ है, यानी कि 56,000 का अभी निवेश हो चुका है। करेंटली रिटर्न्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, 19.82% के अभी रिटर्न्स बन रहे हैं। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, क्या हमें फ्रेश बाइंग करनी है? मेरे हिसाब से नहीं करना है, मैं तो नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अभी कोई भी फ्रेश कैपिटल नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर अनसर्टिनिटी है, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई किया, ऑल टाइम हाई पे अभी मार्केट चला, 20,000 निफ्टी टच कर चुका है, और यहाँ पे मुझे लगता है करेक्शन आना चाहिए। मिड कैप में आपने देखा है, मिड कैप स्मॉल कैप सारे अभी करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। IRFC में भी 2.5% की गिरावट हो चुकी है, आपने देखा होगा अभी रिसेंटली, तो मतलब काफी ज्यादा वॉलाटाइल है। लेकिन लार्ज कैप में अगर आपको, मान लीजिए आपको बहुत पैसा है और आप लगाना चाहते हो, तो लार्ज कैप में लगाइए। जैसे मैंने कहा HDFC, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, इन कंपनीज में आप लगा सकते हो, और ये कंपनीज एक्चुअल में पॉजिटिव थे। कल आपने देखा इन्फोसिस जो है लगभग 1.5% पॉजिटिव था, HCL टेक्नोलॉजी भी ठीक ठाक था, और यहाँ पे रिलायंस में काफी गिरावट हो गई हालांकि, लेकिन कोई बात नहीं, बने रहे जो भी मैंने मेरे मतलब अभी उसे खरीदे हैं, आराम से बने रहे। 5,000 का इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा कुछ नहीं किया है, तो पहला टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, होल्ड कीजिए, आने वाले समय में टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहता था, आई होप को वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, किसी भी सबको मिलते रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। हाँ, अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ग्रो ऐप में जाइए, वहाँ पे अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलिए, लाइफ टाइम AMC फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, आराम से आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं वेरी मिनिमल फीस लेकर आपको भी इसी तरीके से, जैसे मैंने पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, आपका पोर्टफोलियो भी मैं अच्छी तरीके से मैनेज करके दे सकता हूँ, अच्छी वेरी मिनिमल फीस में, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आए, मिलते हैं अगले वीडियो में।